and do bag sizes, preterm sizing, preterm size or term size, दो size होनी चाहिए, ये तो बड़ा size है, term size नहीं बड़ा, एक बीच का size होता है, preterm size, एक term size होता है, उससे बड़ा ही है, फिर adult size होता है, तो preterm size and term size, दो एंड होनी चाहिए, mass, preterm size और ये term size. लैरिंगोस्कोप है, पीडियाट्रिक लैरिंगोस्कोप, इसमें अलग अलग ब्लेड साइजेस है, जीरो जीरो साइज है टर्म बेबीज के लिए, एक डबल जीरो साइज भी आता है स्मॉलर देन दिस दैट इज यूज्ड फॉर प्रीटर्म बेबीज, ये लार्जेस्ट साइज है यूज्ड फॉर इन्फेंट्स एंड अदर ओल्डर चिल्ड्रन, वन रेसुसिटेशन के लिए वन साइज जरूरत नहीं पड़ेगी, टर्म एंड प्रीटर्म साइज होंगे. पीटी ट्यूब साइजेस होनी चाहिए जो न्यूबॉर्न्स में यूज होते हैं 2.5 से 3.5 तक होनी चाहिए, पीटी ट्यूब साइज इंडोट्रैकियल ट्यूब, ये इंडोट्रैकियल ट्यूब लार्ज साइज है, इसका इंटरनल डायमीटर मेंशन रहता है ट्यूब की पैकिंग पे भी, इसके लिए इंटरनल डायमीटर 5 mm है, आई डी 5 लिखा है. लाइक वाइज फॉर न्यूबॉर्न्स यू विल बी यूजिंग 2.5, 3, 3.5, 4 भी, अगर डिपेंडिंग ऑन वेट यूज करते हैं, वेट इज between 1 to 1.5 to 2.5 1.5 से 2 kg to 3 2 से 3 kg है तो 3.5, मोर देन 3 kg है तो 3.5, जब 3 kg से ज़्यादा है वेट तो फिर 4 kg यूज कर सकते, मोस्ट कॉमनली यूज 2.5, 3 and 3.5. ठीक है, तो ट्यूब साइजेस ये सब होनी चाहिए, सक्शन इक्विपमेंट होना चाहिए, सक्शन इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर है जैसे हमारे यहाँ तो नॉर्मल सेक्शन जो होता है विद एडजस्टेबल प्रेशर वॉल, प्रेशर कितना यूज करना सेक्शन में, नॉट मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज इट विल कॉज ट्रॉमा टू द मैकोसा लाइक सेक्शन. तो नॉब होनी चाहिए उसमें एडजस्टेबल, आइडियली सिर्फ मैं एडजस्ट कर लिया, प्रेशर मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा यूज नहीं करना सेक्शन के लिए, और सेक्शन कैथेटर्स होने चाहिए डिफरेंट साइजेस के, बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट साइज बेबीज 10, 12, 8 सेक्शन कैथेटर, जितना म्यूजिक एसिड ट्यूब है कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सेक्शन कैथेटर, सेक्शन कैथेटर इज ऑल्सो सिमिलर बट इट हैज एन ओपनिंग ऑन द एंड, म्यूजिक एसिड ट्यूब है ना उसकी ओपनिंग साइड्स में होती है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर सेक्शन कैथेटर की ओपनिंग टिप होती है, इसको कट कर दें तो सेक्शन कैथेटर की तरह अच्छी होती है. So if suction catheter is not available, you can use NG tube also for suction. But ideally, suction catheter only. Tip pe suction hota hai, to apply karenge to suction jo bhi zyada proper hoga. 12 gauge ka ya 10 gauge ka use karte hain. Ye 10 ki hai. Sir, ठीक है, तो इक्विपमेंट हो गए सारे, वार्मर, एंगू बैग और लैरिंगोस्कोप, सक्शन, फिर एक वाला सेक्शन जो होता है सक्शन बल्ब, टू बी यूज्ड व्हेन सपोज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, अभी गया सक्शन इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, तो सक्शन बल्ब यूज़ कर सकते हैं. रबर बैग होता है सेल्फ डिफ्लेटिंग विद अ प्रोट्रूडेड माउथ होता है, उसको पहले डिफ्लेट करके माउथ में डाल के डिफ्लेट करेंगे तो सच कर, सक्शन वही है पहले माउथ की सक्शन करनी फिर नोज की करनी, सक्शन शुड नॉट बी डन, बहुत ज़्यादा सक्शन नहीं करनी, ओवर ज़्यादा सक्शन करनी है, ट्यूब शुड नॉट बी इंसर्टेड टू डी. ओरल सक्शनिंग और नेजल सक्शनिंग में जनरली 5 cm इज इनफ, इंसर्टिंग द ट्यूब अप टू 5 cm इज इनफ, इफ यू इंसर्ट टू मच विल स्टिमुलेट द पोस्टीरियर लैरिंजियल वॉल एंड फैरिंग्स को स्टिमुलेट करें, इट विल लीड टू ब्रैडीकार्डिया, एंड चाइल्ड इज ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम विद हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, तो फर्दर रिट्रेशन. सक्शनिंग में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, 5 to 10 seconds इज इनफ, ये नहीं सक्शन नहीं करते जा रहे हैं और देख रहे हैं बाकी. At the time of birth, every birth should be considered as an emergency and you should be ready to do full resuscitation. Drugs जो यूज़ होते हैं resuscitation में जनरली एडनालिन की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी बहुत सारी ड्रग्स यूज़ नहीं करते, बाकी नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, ब्लीडिंग एज आउट ऑफ नॉर्मल सलाइन बोले, तो एडनालिन नॉर्मल सलाइन ये तो होना चाहिए. और इफ मैटरनल ड्रग यूज इज अ प्रॉब्लम और नार्कोटिक यूज है तो मेलाटोनिन होनी चाहिए, तो बहुत रेयरली यूज होता है, नॉर्मल सलाइन और एडनालिन दो होना चाहिए.
ताकि इंट्रावेनस एक्सेस का सामान होना चाहिए, इंट्रावेनस कैथेटर येलो कैथेटर कितने साइज का होता है 24 का होना चाहिए, ये 24 का है, ये 26 का भी आता है पर्पल कलर में, 26 और 24 दो साइज होने चाहिए। और क्योंकि न्यू बॉर्न्स में इन इमरजेंसी व्हेन यू आर इन हरी इट इज डिफिकल्ट टू पुट इंट्रावेनस लाइन एंड एवरीवन इज नॉट एन एक्सपर्ट, सो यू शुड ऑल्सो हैव अम्बिलिकल कैथेटर्स विच आर इजी टू इंसर्ट एंड कैन बी रैपिडली इंसर्टेड इन सेंट्रल वीनस एक्सेस एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स एंड यू कैन बी रैपिडली यूज्ड। आइडियली यू शुड ऑल्सो हैव अम्बिलिकल कैथेटर्स एट द टाइम ऑफ रेसुसिटेशन सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश एन इंट्रावेनस एक्सेस व्हेन नीडेड रैपिडली। इंटरवीनस अम्बिलिकल कैथेटर्स तो महंगे आते हैं, 1,000 के आते हैं, तो यहाँ पे है नहीं। अगर इंटरवीनस कैथेटर नहीं है, मतलब अम्बिलिकल कैथेटर नहीं है, तो वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन, लेकिन ये ज़्यादा साइज है, थोड़ा 10 है। फॉर अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन यू बी यूजिंग 5 की आती है, 6 की आती है, टर्म बच्चों में 6 या फिर 3 टर्म है 5 डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रेश होगी, बिल्कुल वेन विजिबल होगी, पहले नीचे से क्लाइंब किया और उसमें रैपिडली इंसर्ट कर सकते हैं टू द पॉइंट वेयर रैपिड फ्लो, मतलब फ्री फ्लो ऑफ ब्लड इज अवेलेबल, तो उतनी इंसर्ट करना जितने में 70 हो गए तो एकदम फ्रीली ब्लड आ रहा है, तो उसके लिक्विड लेंथ एकदम इंसर्टेड। अब क्या करना, एट द टाइम ऑफ बर्थ यू विल सी थ्री थिंग्स, बेबीज टर्म ऑफ रिटर्म ब्रीदिंग और क्राइंग एंड गुड टोन्स, इफ ऑल थ्री थिंग्स आर नॉर्मल देन यू विल बी ओनली रूटीन केयर। रूटीन में केयर में क्या होगा, ड्राइंग क्लीनिंग ड्राइंग पोजिशनिंग सक्शनिंग इफ नीडेड, सक्शनिंग इज नॉट डन रूटीनली इन ऑल केसेस, सक्शनिंग इज टू बी डन इफ देर आर विजिबल सिचुएशंस इन माउथ और नोज, देर इज ब्लड और अदर सिचुएशंस, और देर इज गर्गलिंग साउंड व्हेन द बेबी इज ब्रीदिंग, देन यू नीड टू डू सक्शन, अदरवाइज सक्शनिंग शुड नॉट बी डन इन ऑल केसेस। ठीक है, इफ नॉर्मल है तो रूटीन केयर में क्या करना, पोजिशनिंग करना है, पोजिशनिंग के लिए इफ देर इज कैट फुड there will be neck will be flushed, so you can place a folded towel within the shoulder to keep the neck slightly extended. Hyperextension should be avoided. Infants mein hyperextension mein bhi airway block ho jata hai, adults mein nahi hota, hyperextend nahi karna, just thoda sa halka sa chalta hai, aur cleaning kar liya tumne normal warm cloth se, too much rubbing and removing of vernix not recommended, वर्निक कैसे होते हैं जो ग्रीजी लेयर होती है ना डेड स्किन सेल्स की, तो इट कैन बी लेफ्ट ओनली जो फ्लूड है, अमनियोटिक फ्लूड जो वेट है जिससे हीट लॉस होगा व्हेन यू इवेपोरेट, ओनली दैट हैज टू बी रिमूव्ड। वर्निक कैसे होते हैं, स्टिक्स टू द स्किन, रब करोगे ज़्यादा तो लीड टू एब्रेजन एंड इट ऑल्सो यूजफुल टू द बेबी, एडिशनल कवरिंग एंड प्रिवेंट्स हीट लॉस, जस्ट क्लीन ड्राई द बेबी, ड्राइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, सक्शनिंग कर लिया पोजिशनिंग कर लिया करें, इफ बेबी इज नॉट टर्म फ्री टर्म है ब्रीदिंग और ट्राइंग नहीं है टोन नहीं है देन यू हैव टू बी रेडी फॉर रेसुसिटेशन। रेसुसिटेशन में पहले क्या करेंगे, इनिशियल 30 सेकेंड्स में, इन 30 सेकेंड्स यू विल डू सेम स्टेप जैसे नॉर्मल उसमें किया था, ड्राइंग क्लीनिंग पोजिशनिंग सक्शनिंग, बट इट आफ्टर 3 सेकेंड्स यू विल चेक हार्ट रेट की क्लीनिंग हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। इफ आफ्टर 30 सेकेंड्स आप ड्राइंग क्लीनिंग सक्शनिंग, ठीक है, तो ड्राइंग क्लीनिंग सक्शनिंग पोजिशनिंग दीज ऑल शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 30 सेकेंड्स, यू विल नॉट गेट मोर देन 10 सेकेंड्स फॉर सक्शनिंग, सक्शनिंग इसलिए बहुत देर तक नहीं करना, अदरवाइज यू विल क्रॉस 30 सेकेंड्स। तो ये कर लिए इनिशियल स्टेप्स, उसके बाद इफ हार्ट रेट इज लेस देन 100 यू विल गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद अ बैग एंड मास्क, अप्रोप्रिएट साइज का मास्क चूज करेंगे दैट शुड कवर होल ऑफ द माउथ एंड नोज, आइस पे नहीं आना चाहिए और नीचे चिन के बिलो नहीं आना, इसको अप्लाई करें इस तरह से पकड़ा हाथ में, हम यहाँ पे ट्विस्टिंग मोशन से इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इसको अप्लाई करने के हेड एंड पे खड़े होंगे, इसको ऐसे नहीं रखना, ठीक है, लॉबस्टर की व्यू ऑफ द चेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू सी द चेस्ट राइज, सो इट हैज टू बी केप्ट ऑन द साइड, या फिर ऐसे रख सकते हैं, ये कंफर्टेबल होता है इस तरह से, अप्लाई करने से पहले पोजीशन करना है, पोजीशन में क्या करना है, स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे नेक को, इसको यहाँ पे अप्लाई किया, टू फिंगर्स से सी बनाया और ये यहाँ पे प्रेस किया, इससे थ्री फिंगर्स यहाँ पे रखेंगे जॉ, और जॉ को फॉरवर्ड मूव करेंगे,
में थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करके नेक पोजिशन इज फ्लेक्सीबल द पोजिशन विद गिव्स विजिबल चेस्ट राइज इज एडिक्वेट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड नहीं करना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सी करना जिस पोजिशन पर चेस्ट राइज में अच्छी मिल रही है वहाँ पर रुकना ठीक है ये सी हो गया और ये थ्री फिंगर से ई हो गया ये यहाँ पर रखनी है जॉ पे ठीक है बोन के पास रखनी है यहाँ मिड में प्रेस नहीं करना इफ यू प्रेस हियर तो इट विल लीड टू द टंग फॉलिंग बिहाइंड एंड लॉस्ट द हेयर तो इसको बोन साइड में रखना है बोन पे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा चूक करना है ठीक है ईसी क्लाइम टेक्निक और ये फिंगर्स जो है ये यहाँ पे रखनी है इस पर परिफेरी पे नहीं रखनी परिफेरी पे रखोगे तो सील नहीं बनेगी यहाँ पे रखना यहाँ पे प्रेस किया और फिर इसके बाद इस तरह से ठीक है नेक पोजिशन शोल्डर के पैड लगा दिया नेक पोजिशन कर दिया इसके बाद टू फिंगर्स इस पर रखते हैं ठीक है टू मेक अ सी एंड थ्री फिंगर्स ओवर द जॉ मल्टीपल है इसके ठीक है टू मूव द जॉ फॉरवर्ड और ये प्रेस डाउन ठीक है फिर इस तरह से रहेंगे इसके वॉल्यूम कम है स्पेस पर आई थी ये लार्जेस्ट साइज है टर्म साइज फिंगर का मिड साइज है बना के और लुक फॉर विजिबल चेस्ट राइज विजिबल चेस्ट राइज प्रेजेंट देन मींस द वेंटिलेशन यू आर गिविंग इज एडिक्वेट 30 सेकेंड्स बैक एंड मास्क करने के बाद इफ द हार्ट रेट इज स्टिल लेस देन 100 देन या फिर लेस देन 60 होगी एट एनी पॉइंट शुरू में तो 30 सेकेंड्स से तुम्हें बैक एंड मास्क करना है 30 सेकेंड्स के बाद तुम्हें दोबारा से एक्सेस करना है कि वेदर द पेशेंट इज इंप्रूव्ड ऑर नॉट इफ देयर इज विजिबल चेस्ट राइज नहीं है या हार्ट रेट इज स्टिल बिटवीन 60 एंड 100 देन यू विल रीचेक वेदर द पोजिशनिंग इज करेक्ट सील इज प्रॉपर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे रीपोजिशन सक्शन ठीक है 30 सेकेंड जब रेट करेंगे तो रेट होगा तुम्हारा आपको 30 टू 60 के बीच में एवरी 3 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3 के बाद अब 30 सेकेंड्स के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है या हार्ट रेट लेस देन 60 है तो पहले लेस देन 60 है तो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट एटलीस्ट 100 पर मिनट एंड इफ यू आर डूइंग विद बैग एंड मास्क दूर बस अगर डिपेंड करता है कि कितने रेसुसिटेटर हैं इफ देर इज अ सिंगल पर्सन हु हैज टू डू बोथ बैग एंड मास्क एज वेल एज चेस्ट कंप्रेशन कैसे करोगे यूज टू फिंगर टेक्निक इससे इस तरह से करेंगे ये वाली फिंगर से इस तरह से करेंगे और इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे बैक करेंगे फिर इस तरह से करेंगे सिंगल रेस्क्यूअर टेक्निक में यू विल डू 30 कंप्रेशन टू रेस्क्यूअर्स हैं अगर वन विल बी डूइंग चेस्ट कंप्रेशन विद इनसर्कलिंग टेक्निक इस तरह से करेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव ठीक है तो इस तरह से करेगा एक आदमी और सेकेंड जो है वो ब्रेथ देगा तो 3:1 रखेंगे 3 कंप्रेशन 1 ब्रेथ फिर 3 कंप्रेशन 1 ब्रेथ ठीक है तो एटली रेसुसिटेशन इज रिक्वायर्ड इन टाइम ऑन दिस थर्टी कंप्रेशन करेंगे टू ब्रेथ अगर डबल है तो 3:1 छोटे बच्चों में 15:2 भी करते हैं 15 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ सिंगल रेस्पर टू रेस्पर्स में न्यू बॉर्न्स में 3:1 है बाकी ओल्डर चिल्ड्रेन में उसमें 15:2 है 15 टाइम्स कंप्रेशन 2 टाइम्स एडल्ट में 30:2 है अगर इंट्यूबेटेड है पेशेंट एडवांस एयरवे दिए तो इसी एयरवे ना एडवांस एयरवे अगर है इंट्रोट्रैकियल ट्यूब पुट कर दिया तुमने इन दैट केस यू नीड नॉट स्टॉप फॉर ब्रीदिंग कंप्रेशन 1% विल कीप ऑन गिविंग कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट एंड द अदर पर्सन विल कीप ऑन गिविंग ब्रेथ्स एट द रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू एज न्यू बॉर्न्स में 40 to 60 ठीक है 30 to 60 या 40 to 60 तो उसमें यू डू नॉट नीड टू स्टॉप द कंप्रेशन फॉर गिविंग ब्रेथ्स इफ यू हैव इंडोट्रैकियल ट्यूब और एडवांस ठीक है लेकिन वैगन मास्क है तो उसको स्टॉप करना है कंप्रेशन थोड़ी देर के लिए लेकिन ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना मास्क और दो ब्रेथ देनी है तो 3:1 इंटरप्टेशन ये हो गया अब उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट फिर ड्रग्स यूज़ करते हैं ड्रग्स के लिए आई वी एक्सेस ने बताया था या तो इंट्रा कैथ होना चाहिए या फिर अमेरिकल कैथेटर होना चाहिए इफ बोथ आर नॉट देयर यू कैन ऑल्सो गिव ड्रग्स थ्रू एंड्रो ये एंड्रोट्रैकियल ट्यूब
endotracheal tube mein dose higher hogi. If the dose of endotracheal adrenaline is 10 times higher than IV. IV mein jo dose dete hain usse 10 times zyada dose dete hain endotracheal, because absorption kam hoga uska. Endotracheal absorption is also not as good as IV. So IV route is preferred if there is problem or you are not able to achieve IV access rapidly, then you will give endotracheal. Adrenaline देंगे, उसके बाद अगर कोई bleeding है, if there is obvious bleeding from umbilical cord, abruptio placenta, high pH था, तो फिर normal saline बोला जाता है। ये हो गया तुम्हारा session। बाकी if the baby is meconium, फिर उसमें थोड़ा सा different है initial से, you will have to look whether the baby is vigorous or not. Vigorous में क्या होगा? Breathing, tone, और heart rate more than 100. Vigorous है, then the management is similar. जैसे नॉर्मल बेबीज का करते थे वैसे मेकोनियम का करेंगे तो बेबीज विग्रस, तो सक्शनिंग करेंगे नॉर्मल ओरल ओरो और ओरल नेजल सक्शनिंग जैसे नॉर्मल करते हैं, क्लीनिंग ड्राइंग और नॉर्मल केयर प्रोवाइड करेंगे. इफ बेबी इज नॉन विग्रस देन क्लीनिंग एंड स्टिमुलेशन हैज टू बी पोस्टपोन्ड एंड यू विल नीड टू डू एंडोट्रैकियल सक्शनिंग. एंडोट्रैकियल सक्शनिंग अंडर डायरेक्ट विजन, उसमें भी वही ब्लेड साइज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू वेदर द बेबीज टर्म और प्रीटर्म. टर्म साइज वाला ब्लेड लिया तुमने. Most of the meconium babies are term. Preterms में क्या होता है? Meconium has not reached to the rectum. Meconium formation तो age के साथ होता है ना? तो most of the जो meconium babies होंगे, they will be term. By term, the meconium reaches into the lower GI tract, and that's why it can be passed. Preterms में क्या होगा? Lower GI tract में meconium अभी formed ही नहीं हुआ है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो it's very unlikely that it will pass. Term babies में ही ज़्यादातर होता है. ये ब्लेड लिया, इसको राइट एंगल ऑफ लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हैं. वेदर यू आर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, यू हैव टू होल्ड इट इन द लेफ्ट हैंड. राइट एंगल ऑफ माउथ से इंसर्ट किया, टंग को राइट साइड में स्विफ्ट कर देते हैं इसके साथ. ठीक है, टंग के ऊपर डाला तुमने, राइट साइड में स्विफ्ट कर दिया, उसको पूरा स्ट्रेट इंसर्ट कर देते हैं बियॉन्ड एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस के पीछे तक इंसर्ट कर देते हैं. उसके बाद लिफ्ट कर दिया तुमने, थोड़ा सा ट्विस्टिंग नहीं करनी, थोड़ा सा लिफ्ट करना है. वोकल कॉर्ड विजुलाइज होना चाहिए, वोकल कॉर्ड दिखेगी इस तरह से, वाइट से वाइट कलर के कॉर्ड्स दिखेंगे, उसके बीच में ओपनिंग होगी ट्रैकेट, उसमें तुमको ट्यूब डालनी. आइडियली एंडोट्रैकियल सक्शनिंग दो तरह से कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास अगर अडाप्टर है, वहाँ सक्शन अडाप्टर आता है जो इसमें कनेक्ट हो जाता है, सक्शन को इसमें कनेक्ट कर दे, ट्यूब डाल दे तुमने एंडोट्रैकियल ट्रैकिया के अंदर, और यहाँ पे सक्शन कनेक्ट कर दिया, इसी ट्यूब से सक्शन हो जाएगा, इसी उसको सक्शन हटा के फिर इसी से तुम ब्रेथ्स भी दे सकते हो. लेकिन अगर अडाप्टर नहीं है तुम्हारे पास सक्शन कनेक्ट करने के लिए, तो फिर सक्शन के लिए भी यूज सक्शन क्या कहते हैं, या फिर ये वाली एनजी ट्यूब. ठीक है, एनजी ट्यूब से सक्शन करते हैं, इसमें भी सक्शनिंग टाइम इज टू बी नॉट मोर देन 15 सेकेंड्स. ठीक है, यू कैन ओनली सक्शन द मिकोनियम विच इज देयर इन द ट्रैकिया. मिकोनियम विच इज ऑलरेडी पास इन टू द ब्रोंकियल्स कैन नॉट बी सक्शन. ठीक है, तो स्पेंडिंग टू मच टाइम वाइल सक्शनिंग एंड द बेबी इज हैविंग प्रॉब्लम्स विद हार्ट रेट एंड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, 15 सेकेंड्स मैक्सिमम करनी है, उसके बाद रिमूव करना है, फिर रीअसेस करना है. सक्शनिंग कर ली तुमने 15 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद बेबी को ड्राइंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और फिर उसका रीअसेस करेंगे. अब अगर ब्रीदिंग और वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, तो ये विल गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इफ द ट्यूब इज ऑलरेडी इन प्लेस, इंडोट्रैकियल ट्यूब से तुमने की थी सक्शनिंग, तो डायरेक्ट उसी से दे सकते हो. इंडोट्रैकियल ट्यूब ऑलरेडी पड़ी हुई, उसमें बैग अटैच करके उसे कर दिया तुमने एरिया ब्रेथ्स. अगर इससे किया था, न्यूजिक एसिड ट्यूब से किया था, तो एनजी ट्यूब से किया था, ट्यूब अभी प्लेस नहीं है, तो बैगन मास्क से भी कर सकते हैं, लेकिन बैगन मास्क तभी यूज़ करना है जब सक्शनिंग हो चुकी है ऑलरेडी. फिर इसमें भी आगे के स्टेप सिमिलर है, लेस देन 100 पे तुम्हें बैगन मास्क करना है, एंड लेस देन 60 देन यू विल हैव टू डू सीपी. उसके बाद इम्प्रूव नहीं हो रहा 30 सेकेंड्स में, देन तब यूज करेंगे बैगन मास्क में. इन्वायरमेंटल एयर पे भी कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं. ऑक्सीजन इनलेट ये है, एम्बू बैग तो पढ़ाया होगा पहले, ये ऑक्सीजन इनलेट है, ये एयर या फिर रिजर्वायर बैग है. तो आइडियली ऑक्सीजन यूज़ करनी चाहिए, बट स्टडीज से कि रूम एयर रेसुसिटेशन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट एज गुड एज विद ऑक्सीजन. तो इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, यू कैन जस्ट गिव इट बाय यूजिंग द रूम एयर. अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ से ऑक्सीजन कनेक्ट कर देंगे. सिर्फ ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो अराउंड 30-40% जाती है जो कंसेंट्रेशन इसमें जाएगी, डिपेंडिंग की ऑक्सीजन का फ्लो कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है. इफ रिजर्वायर बैग इज ऑल्सो कनेक्टेड, देन यू बी एबल टू गिव ऑलमोस्ट 90-100%.
इसके पार्ट्स वर्ट्स पता ही नहीं। ये थीटा वाला साइज है, इसमें बॉल्स होते हैं चार, एक पीछे एक लेफ्ट बॉल है, फिर येलो कलर का दिखता है। एक ये पॉपअप बॉल है, कितने प्रेशर पे पॉपअप करेगा। पॉपअप बॉल इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड बैरोट्रॉमा। प्रेस करोगे तो हमारा इस पर कंट्रोल तो है नहीं, प्रेशर पे ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो एक सेट प्रेशर के बाद ये बॉल जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। तो इसमें जो प्रेशर होता है इस पर ये पॉपअप करता है अराउंड 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 30-35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे पॉपअप करता है। तो 35 से ज़्यादा प्रेशर नहीं, 35 से ज़्यादा बैरोट्रॉमा नहीं जा सकता। जनरली द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड इज अप टू 20-25 पे जस्ट एक्सपेंड कर जाता ज़्यादा। लेकिन अब बेबी मीकोनियम है या वो है तो लंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, बट मोर देन 35 इज नॉट। एक ही इनलेट वाल्व है, ये पॉपअप वाल्व है, फिर एक अंदर फिश माउथ वाल्व है, यहाँ पे ये जो ओपन हो रहा है फिश माउथ का दिखता है। ये इनलेट तो यहाँ से है, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, ये ऑक्सीजन के लिए है, ये रिजर्वायर बैग है। ये पॉपअप हो गया सेफ्टी वॉल, और अंदर ये हो गया फिश माउथ वॉल, और एक ये वॉल ये जो रिम दिख रही है येलो कलर की, ये एक्सपायरेटरी वॉल जो एयर आएगी वापस लंग से। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये जब तुम प्रेस करोगे प्रेशर से ओपन हो जाएगा, लेकिन जो बैक एयर वापस आएगी जो एक्सपायरेटरी एयर पेशेंट की आएगी तो वो इसके ये ओपन नहीं होगा उससे, तो वो साइड से जाके यहाँ से निकल जाएगी। इसके नीचे होल्स होते हैं, एक्सपायरेटरी वॉल के नीचे यहाँ पर प्रेशर से होल्स है, यहाँ से एयर निकल जाएगी, यहाँ से एयर आएगी तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ से, ऐसे होल्स होते हैं चारों तरफ। ये हो गया रेसुसिटेशन, और कुछ नहीं बाकी। हाँ, हार्ट रेट जो बच्चे में काउंट करते हैं तो यहाँ तो ऑस्कल्टेट कर जो देखेंगे ना कि मोर देन 100 है, लेस देन 100 है, 60 है, तो पेशेंट उस टाइम या तो तुम कॉर्ड पल्सेशन फील कर सकते हो, अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड को दो फिंगर के बीच फील कर सकते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी पल्सेशन आएंगे, इसको काउंट कर सकते हैं। 6 सेकेंड तक काउंट करना है, 6 सेकेंड्स में मोर देन 9 है अगर, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोर देन 100 हो जाएगा। अगर 10 पल्सेशन आ रहे हैं 6 सेकेंड्स में तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 100 जाएगा। 6 सेकेंड से ज़्यादा काउंट नहीं करना, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स फॉर इनिशियल स्टेप, 30 सेकेंड्स आ रहे, तो असेसमेंट टाइम बहुत कम है, 6 सेकेंड्स तक ही फील करना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम निकल आर्टरी या फिर ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, या फिर ब्रैकियल आर्टरी पल्सेशन फील कर सकते हैं। ब्रैकियल आर्टरी पल्सेशन कहाँ फील करेंगे, न्यूबॉर्न में, एडल्ट से तो यहाँ पे करते हो टेंडन बाइसेप्स के मीडियल, बच्चों में यहाँ पे करते हैं टू फिंगर्स यहाँ पे लिए मीडियल साइड ऑफ अपर आर्म, मीडियल साइड ऑफ अपर आर्म ये है ना, इस तरह से दो फिंगर लिया यहाँ पे फिंगर मीडियल साइड ऑफ अपर आर्म। लेकिन न्यूबॉर्न्स में जनरली तो मैं कॉर्ड पल्सेशन सबकी ईजिली फील हो जाती है, कॉर्ड पल्सेशन ही फील करती है, थोड़ा बड़ा बच्चा है कॉर्ड नहीं है ड्राइव हुई बाद में तो फिर ब्रैकियल, ठीक है। कैरोटिड बच्चे में फील करना रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि नेक इज़ वेरी शॉर्ट तो यू विल नॉट बी एबल टू फील कैरोटिड, क्योंकि मोर टाइम है कंपेयर टू एडल्ट्स में कैरोटिड। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट तो सिंपल सिंपल है, ये तो वो है डीलीज म्यूकस सकर, डीलीज म्यूकस सकर, इसमें एक ही पेशेंट इंड है, एक ही है जो यूज़ करेगा उसके लिए। बाकी ये तुम्हारा बॉक्स है, इसको ओपन करके क्लीन करने के लिए भी ऑप्शन ऊपर से सिग्नेशन इसमें इकट्ठे होते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं। सक्शन के लिए यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स लाइक हुआ अनकॉन्शियस और एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन एंड देयर इज टू मच सक्शनिंग, बार बार सक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो कैन बी यूज बाय द पेशेंट्स अटेंडेंट। वन एंड इज टू बी इंसर्टेड इन टू द साइड वेयर सक्शनिंग टू बी डन टू द माउथ ऑफ टू द नोज एंड अदर एंड इज केप्ट इन टू द माउथ ऑफ द केयर गिवर। यहाँ से सक करेगा तो पेशेंट्स विल कम इन टू दिस, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसके माउथ में, नहीं आएगा बट इट इज नॉट अ वेरी हाइजीनिक डिवाइस, मोस्ट पीपल वुड नॉट लाइक यू, डायरेक्ट कंटेमिनेशन तो नहीं होगा बट स्टिल यू आर गेटिंग एयर एयरोसॉल फ्रॉम द पेशेंट, तो इफ द पेशेंट इज अ
केस ऑफ डिप्थीरिया ट्यूबरकुलोसिस तो भी इसको यूज नहीं करना है. नॉट इन्फेक्ट मतलब नॉन कंटेजियस पेशेंट. ये थोड़ा नेबुलाइजेशन चैम्बर विद पीडियाट्रिक साइज. मास्क साइज अलग अलग आते हैं. एडल्ट साइज होता है, एडल्ट वाला बड़ा सा होता है मास्क. पीडियाट्रिक साइज इसमें ये ड्रग चैम्बर है, यहाँ पे ड्रग्स विद पीडियाट्रिक मास्क. पीडियाट्रिक साइज यहाँ से पाइपलाइन कनेक्ट करते हैं, नेबुलाइजर से कनेक्ट होता है. ये है ना, यहाँ से पाइपलाइन कनेक्ट होगी, नेबुलाइजर मशीन में कनेक्ट होगी. नेबुलाइजर मशीन एयर यहाँ से सेंड करेगी. मेडिसिन तुम्हारी इस चैम्बर में होगी, मेडिसिन मेडिसिन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. ऊपर से उसको ओपन किया, सिरिंज में जो भी नेबुलाइजर मेडिसिन एरोसॉल यूज़ करना है, लिवोलिन है, सल्बुटामॉल, लिवोसल्बुटामॉल, प्रावेन, एड्रेनालिन या फिर एनेस्थेटिक, बहुत सारी चीज़ें जो भी ड्रग नेबुलाइज करते हैं उसको यहाँ से इंसर्ट कर दिया और इसको यूज़ करना है. यहाँ से पाइपलाइन होती है, ऑक्सीजन पाइपलाइन नॉर्मल जो यूज़ होती है उसको यहाँ से कनेक्ट करके नेबुलाइजर में लगा दिया. नेबुलाइजर आउट कर दिया, फिर यहाँ के जो पेपर्स होंगे वो यहाँ से इसको नोज़ और माउथ के ऊपर अप्लाई करना है. सिंपल है, ये भी वही है. डिफरेंट ब्रांड है तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं. अगर तुमको क्लीनिंग वीनिंग करनी है ओपन करके भी ड्रग डाल सकते हैं, बट ऊपर इसलिए दिया हुआ बार बार करके. ये पीटी ट्यूब है, कप, ये कप है, ये बैलून है. कप एंडोट्राइकल ट्यूब ऑफ साइज 5, ID 5 लिखा हुआ है इसमें. इसमें कितना इंसर्ट करना है बच्चे में. पीटी ट्यूब प्लेसमेंट इज टू बी डन जस्ट अबव the bifurcation of lung. We want both the lungs to get inflated equally. Iske liye clinically check karna hai, you will have to auscultate on both the sides. Theek hai, 5-point auscultation karte hain. Whenever endotracheal tube is placed, you will do auscultation at 5 points. Kahan ka? Anterior chest pe bilateral, theek hai, right left, phir axilla mein dono taraf distal air entry dekhne ke liye axilla is the best side. Jo bronchioles jo वो होंगे लंग के मतलब जो साइट है यहाँ पे एक्जिला में, इट इज़ द फार्देस्ट फ्रॉम ब्रॉन्क्यूल्स. डिस्टल एयर एंट्री कैसी है, अल्वियोलाई में कितनी एयर जा रही है, उसके लिए तुमको एक्जिला में एयर करना है. और मेन एयर एंट्री कितनी है वहाँ पे, तो यहाँ पे तो दो बार यहाँ पे एंटीरियर चेस्ट राइट और लेफ्ट और दोनों तरफ एक्जिला में और एक सिस्टम ऑफ, ठीक है, उसके बाद ये बैलून है. यहाँ से इंफ्लेट करते हैं तीसरी सिरिंज से. इसमें वॉल्व होता है, नॉर्मल जो सिरिंज यूज होती है इंजेक्शन के लिए उसको इसमें लगा के उससे कुछ करना है. एडिक्वेट इन्फ्लेशन जब इसका होगा तो ये भी इंफ्लेट हो जाएगा. ये थोड़ा सा टाइम, ये भी डिफ्लेटेड है ना, ये भी डिफ्लेटेड है, ये भी डिफ्लेटेड है. तो इसमें तुम एयर पुश करोगे तो ये भी इन्फ्लेट हो जाएगा, ये भी इन्फ्लेट हो जाएगा. ये इन्फ्लेट हो गया, इसका मतलब कि सही इंडिकेटर यहाँ भी इन्फ्लेशन. न्यूबॉर्न्स में और इन्फेंट्स में अनकफ यूज करते हैं, बड़े बच्चे में कफ यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ट्रैकिया इज वेरी फ्रेजाइल इन न्यूबॉर्न्स, तो कैन कॉज इंजरी. डायमीटर भी बहुत कम होता है न्यूबॉर्न्स में और स्मॉलर चिल्ड्रन में अनकफ यूज़ करते हैं. लार्जर चिल्ड्रन में और एडल्ट में कफ यूज़ करते हैं. कफ उसमें बेटर होती है, प्रिवेंट्स एस्पिरेशन नहीं होगा इससे और लीकेज भी नहीं होगा. या देर देर बोल आप सिचुएशन जो आ रहे हैं वो उसका एस्पिरेशन प्रिवेंट करेगा. कब ट्यूब इज बेटर, लेकिन इट इज़ कैन नॉट बी यूज इन न्यूबॉर्न्स. लेंथ इंसर्शन का जो है, एट द अप्रोप्रिएट लेंथ जस्ट राइज ग्रुप सिमेट्रिकल होना चाहिए. बाकी एयर एंट्री तुमको देख लेनी है, दोनों साइड इक्वल है. जनरली अगर ज़्यादा लेंथ इंसर्ट करोगे इट विल गो इन टू द राइट साइड, बिकॉज राइट ब्रॉन्कस इज लार्जर एंड मोर इन लाइन विद ट्रैकिया. तो राइट साइड में जाएगी तो राइट साइड में ज़्यादा एयर एंट्री आएगी, लेफ्ट में नहीं आएगी. थोड़ा सा पुश करके फिर बाहर देख लेना. वैसे अप्रॉक्सीमेटली जो न्यूबॉर्न्स में 6+ वेट ऑफ द बेबी जो होता है उतना लेंथ रिक्वायर्ड होती है. 6+ वेट, जैसे इफ बेबीज ऑफ 9 kg यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 9 cm. लेकिन क्लिनिकली कंफर्म करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि यू हैव सिमेट्रिकल चेस्ट राइज एंड बायलेटरल इक्वल एयर एंट्री. अलग अलग साइजेज आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 mm, 2.5 0.5 करके आता
ये वो है MDI है, मीटा ड्रग इनहेलर. मीटा ड्रग इनहेलर कैन बी डायरेक्टली यूज विदाउट एनी असिस्टिंग डिवाइस. What age? 12 years and above में without spacer and mask. उसको shake करना है, इस तरह से hold करना है, patient अपने hand में hold करेगा, mouth में लगाना है, inspiration start करना है और mid inspiration में press करना है. ये नहीं कि पहले तुमने दबा दिया फिर साथ के इसको तो within 1 second जाके deposit हो जाएगा oral mucosa. First inspiration is to be started, mid inspiration में press करना है. So that when the drug is coming out, you are already inspiring. It can go into the. So children below 12 years will not be able to coordinate their breathing with the actuation of this device. So you will need assistive devices to ensure the drug is reaching the site of action. So more less than 12 years and more than 3 years, mein spacer use karna. Spacer yahan pe hai abhi. So all bada amount. Spacer kya karta hai? Spacer will hold the drug in the cylinder which is there. So that baby child doesn't need to coordinate his inspiration with the actuation of the device. So 3 to 12 years age mein spacer use karna. 3 years older child you expect them to be able to hold the ye jo mouthpiece hai spacer ka yahan pe cylinder hota hai aur yahan pe isko lagane ka hota hai. So mouth mein laga diya, so drug daba diya, ask him to breathe in and out. Yahan pe valve bhi hota hai taki jo respiratory air hai wo yahan se nikal jaye aur jo respiration hai. अराउंड 10 to 12 ब्रेथ लेनी है उसको पहले एक बार दबाने के बाद. फिर उसके बाद अगर दोबारा ब्रेथ देनी है तो फिर दबा के फिर तक दोबारा. लेस देन 3 ईयर्स का तो मास्क भी यूज़ करना है. इस टाइप का मास्क होता है, थोड़ा सा बेटर होता है. मास्क स्पेसर में लग जाता है, स्पेसर में ही होता है. इसको स्पेसर में लगाया क्योंकि लेस देन 3 ईयर्स में हाँ सिलेंडर इसका कब है कहीं आ जाएगा एग्जाम में. ये मास्क भी नहीं है, मास्क इसका अलग होता है, डिफरेंट होता है. ये तो नेबुलाइजर वाला मास्क है, ये ऑक्सीजन मास्क. लेस देन 3 ईयर्स बेबी क्या होगा, वो ये भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा कि उसको माउथ में लगाओ, उसको बोलो कि सांस लो. तो उसके लिए क्या करना है कि स्पेसर यूज़ करना है. कीप द बेबी इन मदर्स लैप विद द हेड इन स्लाइटली एलिवेटेड और स्पेसर और मास्क अप्लाई कर दिया तुमने नोज और माउथ पे. अब तो हमारी ड्रग जो है उसको दबाया, सिलेंडर में आई, मास्क लगा हुआ है, ब्रीथ करेगा ही, ब्रीथ तो करेगा ना. नोज और माउथ बोथ आर कवर्ड बाय द मास्क, उससे चले जाएगी ड्रग. ये तुम्हारा ड्रिप सेट है, जो मेरे कहा था ये माइक्रो ड्रिप सेट है. इसमें अंदर कैपिलरी ट्यूब दिख रही है ना, मेटल की, ये मेटल का दिख रहा है. इट इज यूज टू रिड्यूस द ड्रॉप साइज because you will need to increase the smaller volumes in children. Suppose you have to give 10 ml per hour. So, इसमें कैसे ड्रॉप रेट बहुत कम हो जाएगी. एडल्ट वाले सारी 1 ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है ना, 40-45. तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं टू गिव स्मॉलर वॉल्यूम्स इन चिल्ड्रेन. माइक्रो ड्रिप सेट है, जो एडल्ट वाला होता है नॉर्मल माइक्रो ड्रिप सेट या फिर विदाउट कैपिलरी. जो अगर कैपिलरी है तो माइक्रो है, अगर कैपिलरी नहीं होती तो डायरेक्ट ड्रॉप गिरती पड़ी ड्रॉप, तो एडल्ट वाला होता है. इसमें कितनी ड्रॉप पे 1 ml होगा? 8 ड्रॉप. इसमें 60 पे होगा और जो एडल्ट वाला होता है उसमें 16-20 पे होता है. मोस्ट ऑफ द ड्रिप सेट्स कम विद देयर लेबलिंग कि हाउ मच ml मतलब 1 ml कंटेंस हाउ मच ड्रॉप. इसकी अगर पैकेजिंग है तो यू कैन चेक द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस ऑन द पैकेजिंग. मोस्ट ऑफ द एडल्ट सेट्स एन पीटी सेट्स जो यूज़ करते हैं दे हैव 20 ड्रॉप पर ml इट इज रिटन ऑन द पैकेजिंग. और जो माइक्रो ड्रिप सेट्स में 60 ड्रॉप. इसमें कैलकुलेशन इजी है. इफ यू हैव टू गिव 10 ml पर आवर देन यू विल गिव हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट. हाँ, जितने ml पर आवर आ रहा है उतनी ड्रॉप पर मिनट. 10 ml पर आवर देना है तो या 60 मान लो 60 ml पर आवर देना है. कैलकुलेशन इजी है तो मतलब 1 ml पर मिनट देना है. तो 1 ml में कितनी ड्रॉप्स, 60 ड्रॉप पर मिनट. मतलब द फ्लूइड व्हिच इज टू बी गिवन पर आवर with the same as drop per minute. The baby has to be given 600 ml per 24 hours. The drop rate कितनी होगी? 600 ml देना तुमको 24 घंटे में. 1 hour के निकाल लो कितना आएगा? 6 divided by 24, 25 to 25 ml per hour. 25 ml per minute. 25 drops per minute.
इसकी कहाँ है? ये तो वही है, इंट्रावेनस कैथेटर है, ये स्टाइलस है इसका। पीडियाट्रिक साइज में 24-26 यूज़ करते हैं, मोर देन वन ईयर का चाइल्ड है तो 22 यूज़ करते हैं, 22, 24, 26। कलर कोडिंग होती है, 26 वाला जो होता है पर्पल कलर का होता है, 24 येलो है, 22 कितना होगा ब्लू होगा, 22 ब्लू होगा, 20 वाला पिंक होगा, 20 वाला पिंक होगा, 18 वाला ग्रीन होगा। हिंदी में क्वेश्चन भी आया कलर कोडिंग, ये टंग डिप्रेसर है, ये वुडन वाला है इसका, ये अनस्टराइल स्टराइल भी आता है, स्टराइल विल बी पैक्ड इन अ पॉलीथीन या उसे पैकेजिंग, ये मेटल वाला है, मेटल वाला जनरली यूज़ नहीं करते, क्लीनिंग रिक्वायर्ड होगी, इन्फेक्शन हो सकता है। ये तुम्हारी ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, सिंगल यूज, ये इसका वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल यूज है, इसमें ऑलरेडी एक बार फिल करना है, उसके बाद तुम वो कर दोगे, उसके बाद दोबारा फुल नहीं होगा। एडी सिलेंडर फिर मेटल एक होता है वो ब्लॉक कर देता है इसे, सिंगल यूज सिरिंज है, इवन इफ यू वांट समवन वांट्स टू यूज इट तो यूज ही अपने आप एक ही बार यूज होगा। इससे लार्जर सिरिंज की आती है 5 ml की जो यूज़ करते हैं इम्यूनाइजेशन में, टेट पैक और वो सब डीपीटी वगैरह देने के लिए, वो भी सिंगल यूज रहता है, इसमें अंदर में यहाँ पे मेटल होगा है, मेटालिक सा कुछ दिखा है, ये सिर्फ सिंगल यूज अलाउ होता है, एक बार पुश हो गया फुल हो गया, एक बार पुश हो गया, उसके बाद जब एक बार हमने पुश कर दिया तो ये टूथ केस को ब्लॉक कर देता है, दोबारा सुखी नहीं होती। ये अलग इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है, ठीक है, वो पूरा सिलेंडर के साथ देखना, घाई में बना हुआ है, फोटो देख लेना, ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है या फिर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, सिर्फ साइजेस आते हैं अलग अलग, 5, 6, 8, 10, ये 10 साइज, इसमें ये ओपनिंग होगी, ये आउटसाइड रहेगा, ये स्टमक के अंदर। इसकी बच्चों में क्या है, एडल्ट में तो स्टैंडर्ड लेंथ होती है कि इतना डाल दिया, 40 सेंटीमीटर पर तुम्हारा गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, तो जस्ट मोर देन 5 या 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आते हैं। बच्चे में क्या होगा कि एवरी चाइल्ड इज ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, तो यू विल हैव टू मेजर द साइज, ट्यूब साइज, ट्यूब साइज उनको मेजर करना है, यहाँ से ब्रिज ऑफ द नोज से लेके ट्रैगस तक, फिर ट्रैगस से लेके डिफी स्टर्नम और अम्बिलिकस के बीच तक, यहाँ पे तुमने मेजर कर लिया कि ये साइज है, ब्रिज ऑफ द नोज से लेके ट्रैगस तक, फिर ट्रैगस से लेके मिड पॉइंट ऑफ डिफी स्टर्नम और अम्बिलिकस, उतना जितनी लेंथ आ रही है वहाँ पे मार्क कर दिया, पेन से पहले मार्क कर लेना है कि यहाँ तक डालना है, उसके बाद इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए नोज से डालना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन डालना है, ऐसे नहीं डालना होता, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा रूफ है नोज का फ्लोर या माउथ का जो रूफ है वो बोन ऐसे है परपेंडिकुलर, उसको इस तरह से डालना है, इस तरह से डालना है, रैपिडली डाल दिया, लुब्रिकेट कर सकते हो यूजिंग ज़ाइलोकेन जेल, ज़ाइलोकेन जेल, ज़ाइलोकेन जेल से लुब्रिकेट कर सकते हो तो और ईजी एक्सेस एंड वाइट पेट, उसको यूज़ करते हैं किसके लिए, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ब्लीडिंग है तो उसको एस्पिरेट करना है, पॉइजन के पेशेंट है अगर बच्चा है तो उसके लिए भी लवाज कर सकते हैं इससे, प्लस जो नाम है इसका इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, फीडिंग के लिए यूज़ होती है प्रीटर्म से, दोज हू कैन नॉट टेक फीडिंग बाय माउथ कैन बी गिवन फीडिंग बाय दिस ट्यूब। और भी बहुत सारे यूज हैं इसके, अम्बिलिकल आर्टरी वेन कैथेटराइजेशन बताया था अभी, यूरिनरी कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं, द वेरी स्मॉल साइज पोलिस कैथेटर्स आर नॉट अवेलेबल, तो इफ यू नीड टू कैथेटराइज द ब्लैडर फॉर यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग इन अ न्यूबॉर्न, उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं। बाकी ये है बायोप्सी गन, जनरली यूज फॉर लीवर बायोप्सी, कैन ऑल्सो भी यूज फॉर किडनी बायोप्सी। अब लीवर बायोप्सी के लिए पहले क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर यू कैन डू लीवर बाय, इंडिकेशंस है, इंडिकेशंस में क्या है, जनरली क्रोनिक लीवर डिजीजेज या अनएक्सप्लेन जॉन्डिस विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, जिसमें स्टेजिंग करनी है तुमको कि फाइब्रोसिस कितनी है, थेरेपी रिक्वायर्ड है कि नहीं, एक्टिव हेपेटाइटिस है या पैसिव है, मेटाबॉलिक लीवर डिजीजेज सस्पेक्टेड है तो उसके लिए करना है, और
किडनी जॉन्डिस है, न्यूनेटल कोलिस्टेसिस समय करना है, या लीवर में कोई लीजन मिल रहा है उसकी बायोप्सी करनी है, कोई न्यूप्लाज्म है या समझ। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द लीवर पेशेंट्स जिनके लीवर में प्रॉब्लम है दे विल हैव प्रॉब्लम विथ कॉगुलेशन। As such, coagulatory problem or deranged PT is not a contraindication, but it should be correctable with the giving FSP and vitamin K. Uncorrected with bleeding diastasis is a contraindication for liver malfunction. Correctable hai by giving FSP, cryoprecipitate FSP, or phir vitamin K. So, uske baad kar sakte hain. At the time of doing biopsy, you have to do PT and APTT on the segment. PT karte hain. Prothrombin time should not be more than 3 seconds than the control. The control हमारा है उसे more than 3 seconds से ज़्यादा नहीं होना चाहिए patient या फिर INR not more than 1.6 ठीक है, एंड platelet count more than 50,000 less than 50,000 पे content है। तो अगर पहले प्रिपेयर कर ले patient को, you can give vitamin K injections 5 days intramuscular before biopsy। बिफोर बायोप्सी तुमने 5 days तक विटामिन के दे दिया इंट्रामस्कुलर प्रिपेयर करने के लिए, तो एकदम पीटी करना होगा। 5 mg पर के जी देते हैं, 5 mg टोटल डोज देते हैं मोर देन 1 ईयर्स में, लेस देन 1 ईयर्स में 2 mg पर डे देते हैं विटामिन के। इंट्रामस्कुलर दे दिया 5 days तक, और अगर बहुत ज़्यादा क्रॉस थी ड्रेन है तो FSP ट्रांसमिट कर देते हैं ब्रेस्ट फ्रोजन प्लाज्मा, उसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे। 5 mg होटी फॉर 5 days मोर देन 1 ईयर्स में, लेस देन 1 ईयर्स में 2 mg पर। On the day of the procedure, you will again check PT and platelet count. Platelet count should be more than 50,000 and PT should not be more than 3 seconds than the control. Ya phir INR not more than 1.6. Itna agar hai, toh phir matlab safe hai, you can do biopsy. Biopsy ki technique bhi kya hai? Keep the patient supine. Pahle biopsy side mark karni hai. Theek hai, right side mein liver hoga tumhara. Kahan pe karenge? Mid-axillary line ke, just anterior. Anterior to mid-axillary line at the point of maximum liver damage. First you have to mark the liver. ये पर्कस करके और यहाँ पल्पेट करके लीवर मार्क कर लिया, जहाँ पे मैक्सिमम डलनेस आ रही है वहाँ पे करना है। एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन हो गई, लीवर मार्क कर लिया। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर यू हैव टू मार्क विद पेन और स्किन मार्कर कि यहाँ पे मुझे करनी है, क्योंकि जब स्टराइल हो जाएगा पेशेंट, रेप कर दोगे तुम, क्लीन कर दोगे, उसके बाद नहीं पल्पेट करना होता, ठीक है, पहले से मार्क कर लेना चाहिए यहाँ पे करना है। तुमने मार्क कर लिया, जनरली 10th इंटरकॉस्टल स्पेस में आता है, 9th-10th में आएगा लेकिन कैन बी इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लीवर, लीवर कैन बी पुश अप पुश डाउन हो सकता है, तो उस हिसाब से देखना कि मैक्सिमम पॉइंट लीवर डालने जहाँ पे आ रही है वहाँ पे करना है एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन। यू कैन ऑल्सो यूज अल्ट्रासाउंड गाइडेंस प्रॉपर, उसके लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज करते हैं, बिना अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के भी कर सकते हैं क्लिनिक पास बैठकर। ये तुम्हारी बायोप्सी नीडल हो गई, बायोप्सी गन हो गई, इसको इंसर्ट करना है यहाँ से, जो तुम्हारा मार्क पॉइंट है वहाँ से इंसर्ट करना है। लीवर टिश्यू का रेजिस्टेंस फील होगा जब स्किन से जाओगे, पहले स्किन में बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा परफोरेट हो जाएगा। यू कैन इवन गिव स्मॉल इंसीजन इन द स्किन, थोड़ा सा नीट भी लगा सकते हैं ताकि निडल आसानी से चली जाए। एनी वे ठीक है, निडल तुम्हारी स्किन से चली गई फिर लीवर के जब टच करेगी तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, तो जहाँ पे तुम्हें फील हो रहा है लीवर रेजिस्टेंस उसके बियॉन्ड 0.5 सेंटीमीटर जाना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। अभी जब तुम फायर करोगे तो इट विल करीब 1.5 to 2 सेंटीमीटर फर्दर अंदर जाएगा, ठीक है। तो लीवर का जो सरफेस है वहाँ से 0.5 सेंटीमीटर अंदर जाना है, उसके बाद फायर करना है, उसको लोड करके जाना है, ठीक है। लोड करके तुमने इंसर्ट कर दिया, लीवर सरफेस फील हुआ उससे 0.5 सेंटीमीटर थोड़ा और अंदर गए, उसके बाद तुमको बस इसको प्रेस करना है, ये अपने आप बायोप्सी ले लेगा, इसको विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने के बाद यहाँ पे तुम प्रेशर अप्लाई करोगे टू अवॉइड ब्लीडिंग, और पेशेंट को राइट लैटरल पोजीशन में रखेंगे, राइट लैटरल रखेंगे तो लीवर विल गेट कंप्रेस्ड अगेंस्ट द एब्डोमिनल वॉल, ब्लीडिंग नहीं होगी 1 to 2 आवर्स के लिए, उसके बाद फिर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, ये है ना पुराना है फेड़ा गया, ये कटिंग वाला पार्ट है जो स्लाइड हो रहा है, यहाँ पे बीच में गैप है टिश्यू को होल्ड करने के, तो जब इसको फायर करते हैं तो रैपिडली होता है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सिक्वेंशली फायर होता है, पहले ये जाएगा अंदर, उसके बाद ये जाएगा, पहले ये वाला जो अंदर इंटरनल वाली है ये अंदर चली गई, उसके बाद ऊपर से ये जाएगा, तो
जो गैप है वहाँ पे लीवर का टिश्यू कट के उसके अंदर आते हैं, उनको इसको फॉर्मेलिन में डाल के इसको इस तरह से पुश कर चेक करो तो यहाँ पे जो टिश्यू है वो उसमें आ जाएगा। अब हाँ एक शॉट में चेक कर लो, अगर आ गया तो आइडियल तो एक शॉट में हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो दोबारा करो। इसके कोई ऐसे पार्ट नहीं है, ये हमारा स्विच कंट्रोल है, बायोप्सी गन है, ये लोड चलने के लिए है, ये फिगर है, बाकी ये ट्यूब है, इसमें दो है, एक कटिंग वाला है और एक अंदर इंटरनल ट्यूब है, इसमें यहाँ पे टिश्यू के लिए स्पेस है थोड़ी सी। तो एक सिलेंडर ऑफ वन सिलेंडर ऑफ लिवर टिश्यू विल बी कट, इससे हो जाएगा। इंडिकेशंस हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए, टेक्निक हो गई, स्टराइल टेक्निक यूज़ करनी है, पेशेंट को ड्रेप करना है, बीटाडीन स्प्रेड बीटाडीन क्लीन करना है, जो कर रहा है शुड बी वेयरिंग, मतलब आइडियली ओटी में होना चाहिए या फिर स्मॉल ओटी में होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर ऐसे यूज्ड। उसके पेशेंट को मतलब करने से पहले थोड़ी सी वो करना होगा, तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा, कुछ लोकल एनेस्थेटिक डालो के इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो स्किन में, बच्चे को एडल्ट में तो लोकल में ही कर सकते हो, बच्चा कॉपरेट नहीं करेगा, देन यूर टू गिव सेडेशन ऑल्सो, तो सेडेशन में क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट प्रोसीजर है तो मेटाजोलाम विटामिन ये सब यूज़ कर सकते हैं। किडनी बायोप्सी भी करते हैं इससे या फिर इससे, ये टूकट निडल, टूकट बायोप्सी निडल, ये भी वही काम करता है, ये मैनुअल है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक गन थी, ये इसको तुमको मैनुअली करना है, ठीक है, इसको इसको भी वैसे ही इंसर्ट करेंगे, इसको इस तरह से करके ये डिफ्लेट करके इस तरह से तुमने डाल दिया, टिश्यू में चला गया, उसके बाद वहीं पर रख के इसको स्लाइड कर दिया, ये कट कर देगा इसको, यहाँ पे गैप है ना, यहाँ पे वेज शेप गैप है, पहले तुमने ऐसे पकड़ा इसको, ठीक है, ये गैप यहाँ पे है, इसको इंसर्ट कर दिया तुमने, फिर इसको वहीं पे रख के इसको पुश कर दिया, ये कटिंग है जिसकी, ये कट करके टिश्यू को यहाँ पे, ये मतलब डज द सेम वर्क बट इट इज मैनुअल एंड इट इज ऑटोमेटिक। हाँ लीवर में लीवर और किडनी यूज कर सकते हैं, पहले आगे करके डाल रहे हैं, आगे करके ऐसे डाल दिया, उसके बाद उसको स्लाइड कर दिया, कट हो गया, फिर निकाल, हाँ ये भी इस्तेमाल करते हैं। लीवर बायोप्सी इज कैन बी डन ब्लाइंडली, ज़्यादा कर सकते हैं लीवर बायोप्सी, लीवर लोकलाइजेशन इज ईजी, किडनी लोकलाइजेशन इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू लीवर। किडनी बायोप्सी इज जनरली डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, सी टी गाइडेंस कैन ऑल्सो बी। किडनी बायोप्सी के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को सफाई रखेंगे प्रोन, ठीक है, आइडियली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस शुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर, एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर नहीं है तो पहले अल्ट्रासाउंड करा के दे विल मार्क द किडनी ऑन द स्किन, ठीक है, स्किन पे वो मार्क कर देंगे कि किडनी का साइज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। जनरली लोअर पोल ऑफ किडनी पे करते हैं बायोप्सी, इफ देर इज नो स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इफ यू हैव अ ट्यूमर और समथिंग एल्स विच इज देयर एट द अपर पोल देन यू विल डू at that side, but if you are suspecting a general disorder of the kidney, then you will generally do it from the lower pole of the kidney, upper pole थोड़ा ऊपर होगा diaphragm के पास, उसमें वही करना है, patient को prepare कर लिया तुमने, anesthesia दे दिया, sedate कर लिया, local side prepare कर लिया, उसके बाद guidance में उसमें होना चाहिए ideally ultrasound guidance, या फिर अगर छोटा सा tumor है या कुछ इस type का है 3D location चाहिए तो फिर you will need CT, CT दोनों तरह से localize कर देगा, transverse और हॉरिजॉन्टल, सी टी इज मोर स्पेसिफिक। स्मॉल लीजन्स की बायोप्सी करनी है यू नीड अ स्पेसिफिक एरिया जहाँ से बायोप्सी करनी है तो यूज सी टी, अदरवाइज यूज अल्ट्रासाउंड। निडल को इंसर्ट करेंगे इसमें तो किडनीज क्या होती है कि डायफ्राम के नीचे होती है तो मूव विद रेस्पिरेशन, तो निडल जब किडनी में जाएगी तो निडल विल ऑल्सो मूव विद रेस्पिरेशन, तो उससे पता चलेगा किडनी में आ गई, लोअर पोल ऑफ किडनी से करना है, मे बी सिमिलर जैसे लीवर में करते थे वैसे। किडनी बायोप्सी के भी इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिमिलर है, वही किडनी प्रॉब्लम्स में क्या होगा, इसमें तो क्या था ब्लीडिंग डायस्टेसिस होगी पेशेंट को, क्योंकि लीवर फंक्शन डिरेंज है तो क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे नहीं, तो उसके लिए बता दिया कि विटामिन के देना है 5 डेज तक और एफएफटी दे सकते हो। लीवर में किडनी में क्या होगा, पेशेंट विल बी हाइपरटेंसिव, तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर लीवर किडनी बायोप्सी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ही होनी चाहिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल होनी चाहिए अदरवाइज ब्लीडिंग होगी ज़्यादा, ठीक है।
ब्लीडिंग डायसिस पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो किडनी में होगी, किडनी डिजीज में क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा ना किडनी डिजीज में, हाइपरटेंशन करेक्ट करना है। ब्लीडिंग डायसिस हो सकती है बट नॉट इन एवरी पेशेंट। इसमें क्या है, लीवर में, लीवर ही बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी पहले। इसमें भी ब्लीडिंग डायसिस उसमें भी नहीं होनी चाहिए, किडनी बायोप्सी करने से पहले भी ब्लीडिंग यू हैव टू चेक पीटी एंड प्लेटलेट काउंट शुड बी मोर देन 50,000, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। इंडिकेशन में वही है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो मोस्ट कॉमन है, मिनिमल चेंज डिजीज, उसमें नहीं काटते, इट इज रेस्पॉन्सिव, वेरी वेल रेस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड्स। लेकिन अगर यू आर एक्सपेक्ट, इफ देयर इज एटिपिकल एज ऑफ प्रेजेंटेशन है बेबी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जनरली प्रेजेंट करता है 1-2 ईयर्स के बाद से लेकर 5-6 ईयर तक बेबी, अगर उसका एज प्रॉपर नहीं है, 10 ईयर्स 12 ईयर्स का बच्चा है और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट हो गया है, 4-6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके बाद कर सकते हैं कैरेक्टराइज करने के लिए कि लीजन किस टाइप का है, थेरेपी उसके लिए सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बाकी क्रोनिक रेनल डिजीज है, उसका कॉज पता नहीं है, उसमें कर सकते हैं, या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन डायग्नोस करने के लिए करते हैं। सिंगल किडनी इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक ही किडनी है एंड यू एंड अप डूइंग सम कॉम्प्लिकेशन। ड्रग्स से बाद में पढ़ना अलग से, यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंफेक्शन। साला बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल है, एक बायोप्सी नीडल भी होती है, बायोप्सी नीडल इज लार्जर, इतनी बड़ी होगी करीब 15 सेंटीमीटर की होगी। बोन मैरो एस्पिरेशन की साइट्स कहाँ कहाँ हैं, पोस्टीरियर आइलेक प्लस एंटीरियर कर सकते हैं या फिर पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन, पोस्टीरियर इंटीरियर आइलेक स्पाइन, उसके बाद स्टर्नम से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डीबियो ड्यूब्रास से भी कर सकते हैं। ठीक, साइट्स हो गई। इंडिकेशन वही है कि जो भी हेमेटोपोएटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें करते हैं, अनएक्सप्लेन एनीमिया, एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, और पैनसाइटोपेनिया, एनीमिया और ल्यूकेमिया जितने भी हैं, ALL, CLL, AML, बच्चों में ज़्यादा ALL होता है, बाकी लिम्फोमास हैं, और बहुत से क्रोनिक इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रुसेलोसिस है, काला दाग, इंट्रिक फीवर में भी कैन सेंड बोन मैरो कल्चर। टाइफाइड फीवर में मोस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन इज बोन मैरो कल्चर, बोन मैरो कल्चर पॉजिटिव इन मोर देन 80-90%, उसके बाद ब्लड कल्चर आता है। इन्वेसिव है तो ऐसा डायग्नोसिस के लिए नहीं करते, लेकिन पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन एंड यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, यू कैन डू। तो इंडिकेशंस हो गए, अब इसमें भी वही है, पहले ब्लीडिंग डायग्नोसिस नहीं चाहिए, प्लेटलेट काउंट ठीक होना चाहिए तुम्हारा, उसके बाद साइट हो गई, मोस्ट कॉमनली यहाँ से करते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेट स्पाइन से। ये तुम्हारी एस्पिरेशन इन लोगों को पहले साइट को प्रिपेयर करना है, यू टू इंजेक्ट जाइलोकिन, जाइलोकिन देने से पहले सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी करते हैं सारे केसों में, जैसे पेंसिलिन एलर्जी होती है ना, फिर पेंसिलिन देने से पहले यू टू रिमूव सेंसिटिविटी, स्किन सेंसिटिविटी, वैसे जाइलोकिन देने से पहले भी सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम ले लिया 0.1 ml, और कहीं पर भी आर्म्स में या कहीं पर सब्क्यूटिक इंट्राडर्मल या उसके बाद इन्फ्लामेशन देखते हैं वहाँ पे, तो वो सारे केसेस में करना है, क्योंकि वहाँ भी जाइलोकिन यूज़ करते हैं, वहाँ पे करते हैं। हाँ, ओटी में पोस्टिंग लगेगी तो देखना, एनेस्थीसिया वाले आते हैं जब, तो अगर लोकल एनेस्थेटिक देने का प्लान है तो करते हैं पहले जाइलोकिन सेंसिटिविटी कर ली, साइट प्रिपेयर कर ली। इसमें क्या है कि जाइलोकिन पहले स्किन में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, स्किन और सर्कुलेटरी टिश्यू में, उसका जब रिस्पॉन्स आ जाएगा फिर बोन पेरियोस्टियम में भी इंजेक्ट करेंगे। पहले स्किन में इन्फिल्ट्रेट करो, डायरेक्ट बोन में इन्फिल्ट्रेट करोगे तो वेरी पेन, पहले स्किन और सर्कुलेटरी टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट कर दिया यूजिंग नॉर्मल सिरिंज जो होती है, उसके बाद थोड़ा सा उसका इफेक्ट आ जाए 1-2 मिनट्स के बाद, 2 मिनट्स के बाद फिर बोन के सर्फेस पे भी जाके वहाँ पे भी थोड़ा सा नाम है। उसमें भी वही सिमिलर है कि एडल्ट में तो सिर्फ लोकल में कर सकते हो, दे विल बी कोऑपरेटिव, बच्चा कोऑपरेटिव नहीं होगा तो यू विल हैव टू गिव सेडेशन आल्सो, ठीक है, कीटामीन है, डजोलान है, ये सब दे सकते हैं। साइट प्रिपेयर कर लिया, पेशेंट को प्रोन पोजिशन में रखेंगे, लैटरल भी रख सकते हैं थोड़ा, लेकिन प्रोन इज बेटर, प्रोन में रख दिया तुमने, फिर इसको कूल किया, स्टिलेट को अंदर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लॉक हो जाता है, इसको इस तरह से पकड़ के स्क्रूइंग मोशन से डालेंगे, स्क्रू करते हैं, ठीक है। इसमें एक गार्ड भी होता है, गार्ड है नहीं अभी, तो गार्ड डिसाइड से कितने डेप्थ पे होगा हमारी बोन, कितने डेप्थ होगी, तुमको कितना अंदर जाना है। एडल्ट में क्या होगा कि
जनरल गाइडलाइंस हो सकती हैं कि 2 सेंटीमीटर डालना है या 3 सेंटीमीटर डालना है मोस्ट किसी में ना, तो बच्चों में क्या कि इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, तो कैसे गेस करना है कि कितने पे गार्ड सेट करें। जब एनेस्थीसिया दे रहे थे तुम तो पंक्चर किया था तुमने, तो उस वक्त देखना है कि निडल कितने डेप्थ पे तुम्हारी बोन आ रही थी, जितने डेप्थ पे बोन आ रही थी अराउंड उतने डेप्थ से थोड़ा सा 0.5 या 1 सेंटीमीटर अबव रखना, इतने पे जनरली बोन आ गई यहाँ पे इतने पे, उससे 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर तुमने ज़्यादा रखा तो उतने पे बोन के अंदर मैरो में पहुँच जाएगा, तो दैट विल एक्ट एज अ गाइड कि इसमें तुम्हारा जो ये है कहाँ पे रखना है, तो उसमें है नहीं डिटैचबल होता है पेंसिल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एक गार्ड होगा निडल का गार्ड की कितने पे डालना है, गार्ड को तुमने सेट कर लिया उस हिसाब से जितना तुमने सीसा दिया था, तो उससे लेंथ डेप्थ मेजर कर ली वहाँ पे कितनी डेप्थ की, फिर स्क्रूइंग मशीन से डाल दिया एट द पॉइंट व्हेन द रेजिस्टेंस जहाँ पे फील होगा बोन स्टार्ट होगी वहाँ से अराउंड 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर और डालना है, व्हेन द निडल विल इंटर इन द मैरो कैविटी यू विल फील अ लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। लॉस ऑफ रेजिस्टेंस फील किया तुमने लगा कि मैरो कैविटी में इंटर हो गए, मैरो कैविटी में इंटर होने के बाद निडल विल बी फिक्स, इस तरह से मूव नहीं करेंगे, इफ यू हैव नॉट इंटर द बोन निडल विल बी फ्रीली मोबाइल, यू हैव इंटर्ड द बोन टू बी फिक्स्ड, ठीक है, यू कैन स्टे विदाउट एनी सपोर्ट। उसके बाद इसमें सिरिंज लगानी है, 20 ml की सिरिंज यूज़ करते हैं अडल्ट में, बच्चे में 10 भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे मैरो स्प्रेड करना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एस्पिरेट नहीं करना, इफ़ यू एस्पिरेट टू मच वॉल्यूम इट विल बी गेट डाइल्यूटेड बाय ब्लड, जनरली 0.3-0.5 ml तक एस्पिरेट करना है, 0.3 ml इज इनफ, ठीक है। डाल दिया तुमने मैरो कैविटी में, फील हो गए निडल लगाई 0.3 ml, मतलब जस्ट 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मैरो स्प्रेड करना है, शुरू में मैरो आएगा तुमने ज़्यादा स्प्रेड कर लिया 2 ml कर लिया तो 2 ml ब्लड आ जाएगा और जो थोड़ा सा मैरो था डाइल्यूट हो जाएगा, फिर स्लाइड में आएगा। एस्पिरेशन पहले करेंगे, उसके बाद बायोप्सी करनी है तो उसी साइड पर बायोप्सी भी कर सकते हैं यूजिंग अ डिफरेंट एंट्री पॉइंट, जहाँ पे बोन पे एंटर किया तो उसके बगल में दूसरे एंट्री पॉइंट से बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी निडल थोड़ा बड़ी होती है 10-15 सेंटीमीटर्स की और वाइडर होती है, उसके अंदर भी स्टिलेट होता है और ये होता है, तो उसमें क्या करना है उसमें बायोप्सी निडल में स्टिलेट अंदर डालना है जैसे इसमें डाला हुआ है, उसके बाद स्क्रूइंग मोशन से तुमको पहुँचना है, जब बोन पे पहुँच जाए जैसे ये बोन सरफेस है तुमने यहाँ पे टच कर लिया बायोप्सी निडल, उस वक्त उसका स्टिलेट पीछे खींचना है, क्योंकि स्टिलेट अंदर रहेगा तो बोन इसके अंदर तो जाएगी नहीं, स्टिलेट तुमने बाहर खींच लिया, अब तुम जब निडल इंसर्ट करोगे स्क्रूइंग मोशन से तो बोन इसमें कट के इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन अगर शुरू से ही स्टिलेट निकाल के डाल दिया तो जो स्किन है वही आ जाएगी, तो पहले इंसर्ट करना है बोन सरफेस पे पहुँचने के बाद स्टिलेट पीछे खींचना है फिर और अंदर, ठीक है। जनरली 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड बोन का जो होती है, उसके बाद बाहर निकाल लिया फिर उसको इसी से पुश करोगे तो बोन जो है बाहर आ जाएगी, वायल में डाल के उससे पुश करोगे, बस बायोप्सी में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें तो स्टिलर अंदर ही डाल के डालना है बाहर में निकालना लास्ट में, बायोप्सी निडल लार्जर होगी यहाँ पे अभी है नहीं, एग्जाम में पता नहीं यहाँ से डालते बस हो गया।